Assalamu alaikum friends, today I will discuss the physics portion of MDCAT 2017. MDCAT 2017 में दो टेस्ट हुए, पहला टेस्ट जो कि कैंसिल कर दिया गया, इसके बाद बड़ा टेस्ट लिया गया जिसे हम रिकंडक्ट टेस्ट कहते हैं। आज हम जो फिजिक्स की MCQ डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट टेस्ट की हैं, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट फील करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट के पहले टेस्ट में फिजिक्स की MCQ गलत हुए थे क्योंकि वो मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप थे। खैर, आज हम डिस्कस करते हैं MDCAT फर्स्ट टेस्ट के फिजिक्स के MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे आसान MCQs, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, अगरचे बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप हैं, लेकिन हम इनमें मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन ढूंढते हैं जो है फिजिकल क्वांटिटीज, जबकि जो उनसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं ये दो होती हैं, प्लेन एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, जिनके लिए हम रेडियन और स्टी रेडियन यूनिट यूज़ करते हैं। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जर्वर नोट्स रीडिंग ऑफ स्केल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ वायर, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल, सिस्टमैटिक एरर, प्रिसाइज एरर, जीरो एरर, रैंडम एरर। जो सा सिस्टमैटिक एरर होता है ये होता है सिस्टम की वजह से, अगर हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जीरो एरर की वजह से, जीरो करेक्शन अगर हम अप्लाई नहीं करते तो एरर आ सकते हैं। इसी तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा तो, या उसमें जो मार्किंग दी गई है स्केल की 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो गलत दी गई है, तो उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। लेकिन ऐसा एरर जो कि पर्सन की वजह से होता है उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। अब पैरेलक्स कहते हैं एक स्टेशनरी चीज़ की अपीयरेंस को डायरेक्शन चेंज करने से तब्दीली नजर आनी। अगर ये एक ग्लास ट्यूब है जिसमें वाटर फिल किया गया है, अगर आप इधर से अपनी आंख इधर है इधर से इसे देखते हैं तो पोजीशन एग्जैक्ट नज़र आएगी, लेकिन वही अगर पर्सन इसे हैंड में पकड़ कर अपने सर से ऊपर ले जाकर यहाँ आंख है आई इधर से देखता है तो इसकी पोजीशन चेंज नज़र आएगी, उसे लगेगा कि स्लाइटली हायर है, इधर स्लाइटली लोअर है। इस तरह से ये रैंडम एरर पर्सन की वजह से, वो आदमी जो काम कर रहा है उसकी वजह से एरर आता है, उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। और ये पैरेलक्स एरर भी एक रैंडम एरर की टाइप है। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर ऑफ सर्कल एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्कल इज 1:π, 2:π, π:1 या फिर π:2। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन, और इसे मैं अभी प्रूव करता हूँ कि कैसे है। उसने पूछा है कि डायमीटर के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी और सर्कल के अलोंग जो डिस्टेंस है उसकी रेशो क्या होती है। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, हम जानते हैं कि डायमीटर का डिस्टेंस बराबर होता है 2r, r प्लस r इज इक्वल टू 2r विच इज इक्वल टू डायमीटर, और जो सर्कल के अलोंग डिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ सर्कल जिस जो बराबर होता है 2πr के, तो हम 2r को डिवाइड कर देंगे 2πr पर, 2r डिवाइडेड बाय 2πr, 2r जो के डिस्टेंस है लॉन्ग डायमीटर, क्योंकि हम जानते हैं डायमीटर बराबर होता है 2r के, और 2πr जो डिस्टेंस है एरिया बाय ऑफ सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो बराबर होता है 2πr। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, r से कैंसिल, तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो आ जाएगा 1:π। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, अर्शद इज ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट, ही ड्राइव 150 मीटर इन 18 सेकेंड, अज्यूम ही डज नॉट स्पीड अप और स्लो स्पीड ऑन, व्हाट इज हिज स्पीड, 0.38 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड, 8.33 मीटर पर सेकेंड।
एंड डी ऑप्शन 58.33 मीटर पर सेकेंड। इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। इसे हम अभी प्रूव करते हैं कि कैसे बनता है। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक और अजम्पशन किया है कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। उसने बताया है कि स्पीड ना ही इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो है। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एच इज इक्वल टू वी टी, ये इक्वेशन होती है। हमने वेलोसिटी मालूम करनी है तो डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम पर। 150 डिवाइडेड बाई 18 हमारे पास आंसर आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग कार विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड डिसलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 30 मीटर, 16 मीटर, 34 मीटर, 26 मीटर। इनमें डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है और इसे हम प्रूव करते हैं कि कैसे बनता है। हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड टाइम 2 सेकेंड। 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर। तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है तो माइनस 2 पुट करेंगे एक्सेलरेशन की जगह। टाइम 2 सेकेंड है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 8, माइनस 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 आंसर आएगा। तो 30 में से जब हम माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26 मीटर। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल वर्क डन इन फिगर इज 24 न्यूटन मीटर, 16 न्यूटन मीटर, 8 न्यूटन मीटर, 0 न्यूटन मीटर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एमसीक्यू डिफिकल्ट होते जाएंगे। इसमें जो वर्क डन है वो है 0 न्यूटन मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोज्ड फिगर में वर्क डन 0 होता है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जिस पॉइंट से हम इसे वर्क डन स्टार्ट करेंगे तो दोबारा बॉडी रोटेट करके उसी पॉइंट पर आ जाएगी। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इसमें 0 होगा। डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। वर्क डन विल बी 0 इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 270 डिग्री, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स पहले खुद हल करें एमसीक्यूज और आखिर में कमेंट में जरूर बताएं कि उनके कितने एमसीक्यू ठीक हुए टोटल में से। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन 270 डिग्री। हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा। तो जिस एंगल पे कॉस थीटा 0 होगा उस एंगल पे वर्क डन 0 होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉस 0 इज इक्वल टू 1, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कॉस 360 इज इक्वल टू 1। तो 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क डन 0 होगा। जिस तरह 90 डिग्री पे कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, इस तरह से 90 का उल्ट, क्योंकि 270 और 90 डिग्री अपोजिट हैं एक दूसरे के। बस 270 नेगेटिव कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है और 90 डिग्री पॉजिटिव वाई कंपोनेंट है किसी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो 270 डिग्री पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ मास एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच वर्टिकली, एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, वी इज द वेलोसिटी एट बॉटम, फॉलोइंग विल होल्ड। फॉलोइंग इक्वेशन में से कौन सी करेक्ट इक्वेशन है? कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस फ्रीक्वेंसी और एच का प्रोडक्ट। एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कनेटिक एनर्जी माइनस एफ एच, एफ एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ एच। ये एक नहायत ईजी एम सी क्यूज है 4 चैप्टर का, लेकिन इसमें उन्होंने काफ़ी लंबा काम कर दिया है, क्योंकि एम डी कैट में हमारे पास एक एम सी क्यूज के लिए कम अज़ कम 40 सेकेंड होते हैं। तो 40 सेकेंड में हल करना होता है तो जितना ईजी एम सी क्यूज होता है उसे लंबा कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में और थोड़ा सा सोचने में टाइम ज़ाया हो जाए।
तो स्टूडेंट जो कि तेज सेंस के होते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, वो जल्दी ही देख लेते हैं, एमसीक्यू समझ लेते हैं और साथ ही टिक कर देते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ एच। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं तो कुछ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट होती है, जबकि थोड़ी सी एनर्जी जो कि इस ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क डन करना पड़ता है उसके लिए यूज होती है। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ एच इज आवर करेक्ट आंसर। बकाया जो तीनों क्वेश्चन है उसमें इधर प्लस का साइन आना था, इधर एम जी एच माइनस एफ एच आना था, इधर एफ एच इज इक्वल टू एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर आना था, जबकि डेल्टा हमारी करेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। द एंगुलर वेलोसिटी इज 27 रेडियन पर सेकेंड। वट इज रेडियस ऑफ सर्कल वेयर लीनियर वेलोसिटी इज 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस हम मालूम करना है, जो कि 6 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर। इनमें करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन 3 सेंटीमीटर। तो पहले आप वीडियो को स्टॉप करके खुद हल करें, तो बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन को भी समझ लें। इनमें करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन है, जिसे हम अभी प्रूव करते हैं कि कैसे बनता है। हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन 5 चैप्टर में लीनियर वेलोसिटी और जो सा एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जबकि r रेडियस है। हमने रेडियस मालूम करना है, तो इधर मेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। जो वेलोसिटी है लीनियर वो है 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड और एंगुलर वेलोसिटी है 27 रेडियन पर सेकेंड। 81 को जब हम 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे मुश्किल एमसीक्यू जो कि 2017 के पहले टेस्ट में आया था, और पहला टेस्ट कैंसिल होने की चंद वजूहत में एक ये भी वजह थी कि बहुत ही टफ एमसीक्यू डाल दिया था। अब इसे हल करना आसान काम नहीं। एक मून है जो कि रोटेट अपने एक्सिस के गिर्द करता है, साइंटिस्ट चाहते हैं कि उसके ऑर्बिट में एक सैटेलाइट पुट करें ताकि सैटेलाइट स्टेशनरी रहे। इसका मतलब है कि ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जिस तरह हमने पढ़े थे कि अर्थ के गिर्द ऐसे सेटेलाइट हैं जो कि एक ही पोजीशन पर रहते हैं, तो उन्होंने टाइम पीरियड 27.4 डेज दिया था रेडियस फाइंड करना, जबकि मास ऑफ मून है 7.35 × 10²². इस क्वेश्चन को हल करना आसान काम नहीं था, क्योंकि कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं, कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, और इस क्वेश्चन को हल भी आसान काम करना नहीं, वो भी 40 सेकंड में, जबकि 40 सेकंड तो लग जाते हैं इसे पढ़ने और समझने में। खैर आपको इसका सलूशन बता देता हूँ। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने पढ़ा था कि रेडियस मालूम करना क्या फार्मूला होता है, gmt²/4π², जी जो कि ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.673 × 10²⁻¹, मास ऑफ मून दिया हुआ है 7.35 × 10²² किलोग्राम, टाइम 27.4 डेज है, इसे सेकंड में कन्वर्ट करके टी का स्केयर लेना है, टाइम के ऊपर स्केयर है, तो डिवाइड कर देना है 4π². जब आप कैलकुलेटर के बगैर इसे हल करेंगे तो बस यही एमसीक्यू हल कर पाएंगे, बकाया नहीं कर पाएंगे। इस तरह से बहुत से स्टूडेंट का फिजिक्स का पोर्शन रह गया था। इसके लिए हल ये है कि जो उनसे आपको इजी लगते हैं, जो आते हैं, वो पहले कर लें, इस तरह के एमसीक्यू आखिर के लिए छोड़ दें अगर टाइम बचे तो। इस सब को करके इसका क्यूब रूट लेना है, वो भी हैंड से, लेकिन आप कैलकुलेटर से लेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.86 × 10²⁷ मीटर। इस तरह के एमसीक्यू एमडी कैट में नहीं आते, लेकिन पहले टेस्ट में डाल दिए थे उन्होंने, जिसकी वजह से आपको चुकन्ना होना चाहिए, कोई भी टाइप के लिए किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना करने के लिए आपको होशियार रहना चाहिए। किसी भी किसी का एमसीक्यू किस्म का एमसीक्यू तो आपके डाल देते हैं, लेकिन आपने म्यूज नहीं होना कि जो सा एमसीक्यू आपको फेस करना पड़ रहा है, सब स्टूडेंट को वैसा ही एमसीक्यू फेस करना पड़ता है। तो ये एमसीक्यू सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। तो जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उसे स्किप कर दें आखिर के लिए, और जो ईजी लगे, जो आपको समझ में आता हो, वो पहले कर लें। इन शॉर्ट, सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10।
Question number 11. In mass spring system, mass m is attached with spring of spring constant k with time period t1. Then the mass is replaced by 2m with same spring. What is the time period t2? T1 is equal to t2, t is equal to under root 2t1, t2 is equal to 2t1, t2 is equal to t1 divided by under root 2. In the middle, correct option hai, wo hai C option, t2 is equal to under root 2t1. Time period barabar hota hai 2 pi under root m over k. Jab hum mass ko double karenge t2 time ke liye, to ye aayega 2m divided by k. Under root 2 ko hum bahar le aayenge, to hum under root 2 bahar aayega, to ye rahega 2 pi under root m over k, jo ke t1 ke barabar hai. In short, agar hum mass ko increase karte hain to time period increase hota hai, kyunki time period directly proportional hai under root m ke, jiski wajah se t2 time period jiske liye mass increase kiya hai wo under root 2 time increase hoga t1 se. Question number 12. A body performing simple harmonic motion with displacement x is equal to x0 sin omega t plus phi. Idhar bhi student ko dhoka dene ke liye f phi likh diya hai, jabki inko phi ka symbol likhna chahiye tha. Khair, when t is equal to 0, x is equal to x0, then what is the phase angle of phi? Pi, pi by 2, pi by 4, minus pi. X is equal to x0 hai, to iska matlab ye jo value hai sin into omega t plus phi, ye maximum value is equal to 1 degi. Jab iski value 1 aayegi, is whole jo likha hua hai number sin into omega t plus phi, to tab x is equal to x0 hoga. Iski value 1 kab aayegi, jab ki unhone time de diya hai 0. Jab phi ka angle 90 degree hoga, to tab sin 90 is equal to aayega 1, kyunki hum jante hain ki sin 0 is equal to 0 and sin 90 is equal to 1. Time period to 0 hai, to omega t ki jagah hum time ki jagah 0 put karenge, to 0 multiplied by omega 0 aayega. To ye phi ki value hai jo determine karegi kya angle hai. To phi jab 90 hoga, to sin is equal to 1, sin 1 aayega, to phir x is equal to x0. Aur hum jante hain ki angle jab 90 hota hai, to 90 barabar hota hai pi by 2 angle ke, jabki agar 180 ho to use hum pi se show karte hain, minus 180 minus pi. Khair, beta is our correct option. Question number 12. Question number 13. Angular displacement of a point moving in a circle 10 cm. When displacement of projection of this point along vertical diameter of circle is 8.66, is will be 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree. इस क्वेश्चन में उन्होंने जो एंगल है वो मालूम करना है, जो डिस्प्लेसमेंट है x बराबर होता है 8.66 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है, जबकि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. तो हमने इक्वेशन यूज करके x इज इक्वल टू x नॉट sin थीटा इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं. x इज इक्वल टू x नॉट sin थीटा, x जो कि है डायमीटर के लॉन्ग डिस्टेंस वो है 8.66, इसको डिवाइड कर देंगे x0 जो कि 10 सेंटीमीटर है, हमारे पास आएगा 0.866 इज इक्वल टू sin थीटा. इधर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो sin 60 हमें पता है 0.866 होता है. ये क्वेश्चन एमडी कैट में आप किस तरह हल करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि sin 30 किसके बराबर है जो कि 0.5, इस तरह sin 60 किसके बराबर है, cos 30 किसके बराबर है और cos 60. ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, तब ही आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे. इन शॉर्ट, sin 60 इज इक्वल टू 0.866 सेंटीमीटर. सो C इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13. अगर हम x इज इक्वल टू x0 cos थीटा कंसीडर कर लें, होता नहीं, तो फिर cos थीटा इज इक्वल टू 0.866 तब होता है जब cos की थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो. cos 30 इज इक्वल टू 0.866, जबकि हम जब sin की बात करते हैं तो sin 60 इज इक्वल टू 0.866. क्वेश्चन नंबर 14.
A wave traveling with speed 130 meter per second, having wavelength 5 meter, what is its frequency? 650, 20 hertz, 26 hertz, 3.8 multiplied 10 is power 2 hertz. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 26 हर्ट्ज़। इससे हम प्रूव करते हैं ये कैसे बनता है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर होती है एफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी दी हुई है 130 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ है 5 मीटर, तो 130 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आएगा 26 हर्ट्ज़। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर हुक्ड बिटवीन टू पॉइंट्स हैज टेंशन 10 न्यूटन, इफ मास पर यूनिट लेंथ इज 0.004 किलोग्राम पर मीटर, देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय वायर ऑन वाइब्रेशन इज 48 हर्ट्ज, 24 हर्ट्ज, 12.5 हर्ट्ज या फिर 6.25 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, उसके दरमियान जो टेंशन है उसको स्ट्रेच करने की वजह से वो है 10 न्यूटन। उस वायर को जब हम उसका जो मास है उसको डिवाइड करते हैं लेंथ पर तो आंसर है 0.004 किलोग्राम पर मीटर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 डिवाइडेड बाई 2L अंडर रूट फोर्स डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ। ये m मास नहीं बल्कि मास पर यूनिट लेंथ है, इसका यूनिट भी किलोग्राम पर मीटर है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 बाई 2 इंटू एल जो कि लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। फोर्स टेंशन जो कि 10 न्यूटन है डिवाइडेड 0.004। इसको जब हम हल करते हैं 10 को डिवाइड करते हैं 0.04 से, फिर इसका हम अंडर रूट लेते हैं और डिवाइड करते हैं 4 से तो आंसर आ जाता है 12.5 हर्ट्ज। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, कोहेरेंट लाइंस इमर्ज फ्रॉम टू पैरेलल स्लिट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर, इफ पी इज अ पोजीशन ऑफ nth टॉर्क फिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस देन फेज डिफरेंस बिटवीन ट्रेन ए एंड बी इज n पाई रेडियन, 2 पाई n रेडियन, n प्लस हाफ पाई रेडियन, 2n प्लस पाई रेडियन। इनमें करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन n प्लस हाफ पाई रेडियन। जो यंग डबल स्लिट मेथड था उसमें दो स्लिट से जो निकलने वाले रेज हैं वो डार्क फिन तब देंगी जब n प्लस हाफ पाई रेडियन होगा। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑन विच 500 लाइंस पर सेंटीमीटर आर रूल्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विल बी 6 मल्टीप्लाई 10 इज द पावर माइनस 7 मीटर, 5 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 7 मीटर, 4 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 6 मीटर, या जो वेवलेंथ होगी वो होगी 3 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 6 मीटर। जो वेवलेंथ है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए जिसका ऑर्डर सेकंड है उसमें d की वैल्यू 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर है जबकि एंगल है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जो वेवलेंथ होगी वो होगी 5 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 7 मीटर। और इसे हम प्रूव करते हैं ये कैसे बनता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा। डी जो कि नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में होती हैं ये बराबर होता है 1 ओवर एन के। हम जानते हैं कि साइन 30 बराबर होता है 0.5, तो साइन 30 को हम 1 ओवर 2 ये भी लिख सकते हैं। एन जो कि सेकंड ऑर्डर है स्पेक्ट्रम का वो 2, लैम्डा वेवलेंथ जो हमने मालूम करनी है ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा जो 1 ओवर 4 बन जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड, 1 ओवर एन जो कि डी के बराबर है ग्रेटिंग एलिमेंट वो बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डिवाइड में है 10 इज पर माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो ये 5 लाख बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 लाख 9 लाइंस।
इसको जब हम हल करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से, तो हमारे पास आंसर आता है 5 × 10⁻¹⁷ मीटर। एक और इजी वे है कि पहले 1/9 की वैल्यू निकाल लें, फिर 1/4। हम जानते हैं 1/4 बराबर है 0.25 के, और 1/(n) है n, इसे भी हम निकाल लेते हैं। 1 को डिवाइड कर देना है 5 lakh lines, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ जाएगा 0.00002 lines। इसको मल्टीप्लाई करना है 1/4 यानी मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00005। इधर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 5 × 10⁻¹ मीटर इज आवर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 17 आवर करेक्ट ऑप्शन इज 5 × 10⁻¹ मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, एस्टिमेट प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट 273 केल्विन इफ मीन स्क्वायर स्पीड इज 500 m² per s² एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज 6 kg/m³। Is 1 × 10³ पास्कल, 10⁻²² पास्कल, 2.5 × 10⁻²² पास्कल या फिर 2.7 × 10³ पास्कल। इनमें अल्फा करेक्ट ऑप्शन है 1 × 10³ पास्कल, और इसे हम अभी कैलकुलेट करते हैं ये कैसे आता है। प्रेशर बराबर होता है 1/3 ρ × v² √ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो 1/3 ρ जो डेंसिटी है वो दी है 6 kg/m³। रूट नहीं बल्कि मीन स्क्वायर स्पीड है जो कि 500 m² per s² है। तो 500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आ जाएगा। जब 3000 को 1/3 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1000 पास्कल, जिसको हम राउंड अबाउट करके देते हैं 1 × 10³ पास्कल। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन नंबर 11 का MCQs है, इसके एक और MCQs जो कि MCAT में आया था वो भी अभी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1 mole ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 1 × 10⁻²⁺ मीटर क्यूब इन अ ग्लास गैस सिलेंडर हूज प्रेशर इज इक्वल टू 2.5 × 10⁵ पास्कल। द टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर इज 227 केल्विन, 370 केल्विन, 300 केल्विन या फिर 390 केल्विन। इनमें बीटा करेक्ट ऑप्शन है 300 केल्विन, और इसे हम प्रूव करते हैं कैसे आता है। हम जानते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स 1 दी है तो n की जगह 1 पुट कर देंगे। टेम्परेचर बराबर आ जाएगा PV/R, जो कि एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.314, और प्रेशर जो कि 1 × 10⁻²⁺ मीटर क्यूब है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं प्रेशर 2.5 × 10⁵ को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से, तो आंसर आ जाता है 2.5 × 10³ विच इज़ इक्वल टू 22500। तो 2500 को जब डिवाइड करते हैं 8.314 से, तो हमारे पास आंसर देता है 300 केल्विन। 2500 डिवाइडेड बाय 8.314 इज इक्वल टू 300 केल्विन। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इन थर्मोमीटर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है T1 वो है 273.16 केल्विन। तो प्रेशर है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर वो है 1 × 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम है 1 × 10⁻³ मीटर पर क्यूब। जब प्रेशर P से P2 हो जाएगा 1.5 × 10⁵ पास्कल और वॉल्यूम 1.2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, तो फिर टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा। 371 केल्विन, 298 केल्विन,
273 केल्विन या फिर 250 केल्विन, इनमें अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। उन्होंने P1, V1 और T1। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन, जबकि P2 और V2 दिया है और T2 टेम्परेचर ऑफ गैस हमने मालूम करना है। हम जानते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। प्रेशर P1 1 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 3 से तो हमारे पास इधर आ जाएगा 10 इज पावर माइनस 2 प्लस 2। ये प्लस 2 इधर डिवाइड कर देंगे, इस तरह से P2 और V2 को मल्टीप्लाई करने से आता है 1.32 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 2। सो जब P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आंसर आता है वो है 1.32। इधर T1 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.32 मल्टीप्लाई टू 73.16। इधर T2 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। मुख्तसर T2 बराबर आ जाएगा 1.32 मल्टीप्लाई टू 27। जब हम 1.32 को मल्टीप्लाई करते हैं 273.16 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 360.57 अप्रॉक्सीमेटली 361 केल्विन। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एन अदर पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हिच ग्राफ शो द रिलेशनशिप ऑफ फोर्स टू एक्स। हम जानते हैं किसी भी चार्ज पर जो उनका फोर्स और एक्स का रिलेशन है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर एक्स स्क्वायर। आर की जगह इधर एक्स पुट किया है एक्स स्क्वायर, तो इनमें पहला ग्राफ है एफ और एक्स स्क्वायर के दरमियान, ये एक्स स्क्वायर है। तो पहले ग्राफ में उन्होंने एफ का और एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन शो किया है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगी, जबकि ये गलत है। हम जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रेडियस का इनवर्स रिलेशन है, जितना एक्स स्क्वायर ज़्यादा करेंगे उतनी फोर्स कम होगी। सेकंड ग्राफ में 1/x जबकि फोर्स बराबर होती है के क्यू वन क्यू टू ओवर एक्स स्क्वायर ना कि एक्स। क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 1/x स्क्वायर का रिलेशन शो किया है, यानी अगर हम 1 डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर के साथ तो जो ग्राफ आता है वो है स्ट्रेट लाइन। अगर इधर एक्स स्क्वायर होता तो फिर और ऑप्शन होना था, लेकिन इधर 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये नहायत ही ईजी MCQ, इतना भी ईजी नहीं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत ग्राफ को समझता है वो ये MCQ ईजीली हल कर लेता है। इस तरह के ग्राफ मैट्रिक में भी पढ़े थे स्टूडेंट्स ने। सो इन शॉर्ट सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड Q2 इज 2 न्यूटन, वेयर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 मीटर, द चार्ज Q2 इज Q1 दिया है 1 कूलम, Q2 मालूम करना है, फोर्स है 2 न्यूटन, जबकि डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान 3 मीटर। तो चार्ज Q2 बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 9 कूलम प्लस 9, 2 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 9 कूलम या फिर 4 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 9 कूलम। इनमें अल्फा करेक्ट ऑप्शन है 1 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 9 कूलम। फोर्स बराबर होती है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, आर है 3 मीटर तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये 9 मल्टीप्लाई होगा फोर्स जो कि 2 न्यूटन है तो आ जाएगा आंसर 18 न्यूटन। Q1 इज इक्वल टू 1 तो के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 9, तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 को डिवाइड करते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 9 से, तो इसका आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 9 कूलम। सॉरी अल्फा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, 2 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 9 कूलम। इधर गलती से शायद 10 इज पावर माइनस 9 लगाना भूल गए हैं, कंपोजिंग मिस्टेक है। एनीवे आवर करेक्ट ऑप्शन इज 2 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 9 कूलम। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू 4i + 3j मीटर,
caused by a point charge Q is equal to 5 microcoulomb placed at origin is 1440 I plus 1080 J hat volt per meter, 1240 plus 1280 joule newton per coulomb, 440 newton per coulomb. इस तरह से 1240 I hat plus 1080 J hat newton per coulomb. हम जानते हैं कि electric field strength बराबर होती है is equal to K Q over R squared into R hat. K जो कि 9 multiply 10 raised power 9 है, इसे multiply करेंगे Q 5 micro coulomb, micro is equal to 10 raised power minus 6 divided by R squared. इधर R का magnitude है, पहले हम magnitude मालूम करेंगे. R का magnitude आएगा under root 4 squared plus 3 squared, ये आएगा 5. जब हम K Q को multiply करके divide करते हैं R squared से, तो हमारे पास answer आता है, तो हमारा answer आ जाता है 1800. 1800 into r hat बराबर होता है vector r 4i plus 3j divided by 5, जो कि है r का magnitude है. r vector बराबर होता है 4i plus 3j divided by r का magnitude 5. तो 1800 को पहले हम 5 पे divide करते हैं, तो हमारे पास answer आएगा 1800 divided by 5 is equal to 360. 360 multiplied by 4i is equal to 1440. इस तरह से जब 360 को हम multiply करते हैं 3 से, तो हमारे पास answer आता है 1080. तो हमारे पास जो exact answer है वो है alpha option 1440i plus 1080 joule volt per meter. जबकि volt per meter बराबर होता है newton per coulomb के, जबकि जो C option था उसमें उन्होंने दिया था न्यूटन पर मीटर, जो कि गलत है. सो अल्फा इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 millisecond. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर इज 3.2 × 10⁻¹ एम्पीयर, 32 × 10⁻¹⁹ एम्पीयर, 320 × 10⁻¹⁹ या फिर 0.320 × 10⁻¹⁹ एम्पीयर. इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फा ऑप्शन 3.2 × 10⁻¹⁹ एम्पीयर. करंट बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और हम जानते हैं कि चार्ज बराबर होता है एन ई डिवाइडेड बाय टाइम. चार्ज की में एन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उन्होंने दिए हुए हैं 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन, और E है जो कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब है. तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज से, तो आंसर आ जाएगा 3.2 × 10⁻¹⁹ टाइम 1 millisecond है. ये ऊपर जाके 10⁻³ प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर आता है अल्फा ऑप्शन 3.2 × 10⁻¹⁹ एम्पीयर. क्वेश्चन नंबर 25. अ कार्बन रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट एंड 2 एम्पीयर करंट इज पासिंग थ्रू इट. इफ वोल्टेज इज इंक्रीज टू 75 वोल्ट देन करंट विल बी 1.5 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4.5 एम्पीयर या फिर 6 एम्पीयर. इसमें बीटा करेक्ट ऑप्शन है 3 एम्पीयर. उन्होंने पहले 50 वोल्टेज दी हुई है और करंट भी दिया हुआ है. पहले हम इन दोनों वैल्यू को यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर लेंगे. हम जानते हैं कि वोल्टेज बराबर होती है आई आर. इधर से रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम हो जाएगी, इधर वोल्टेज दी है रेजिस्टेंस भी है, तो 75 को डिवाइड कर देंगे जो रेजिस्टेंस आएगी. जब इधर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 50 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ और रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि 25. जब 75 को 25 जो कि रेजिस्टेंस आई थी, इस रिएक्शन से वो आ जाएगा 3 एम्पीयर. 75 वोल्ट डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 3. सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 27. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट एज शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. जो आंसर की में यूएचएस ने ऑप्शन दिया था वो है क्लॉकवाइज.
लेकिन जिस तरह से इन्होंने इधर एरो को शो किया है तो राइट हैंड रूल अप्लाई करने की वजह से आती है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये मिस्टेक हुई है डायरेक्शन शो करने में। ये पॉजिटिव एंड देखें, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड। आप जानते हैं कि पॉजिटिव एंड को हम थोड़ा लंबी लाइन से शो करते हैं नेगेटिव एंड की नस्बत, तो करंट को इधर से इधर को मूव करना चाहिए, ना कि इधर से इधर को। जब करंट इधर से इधर को मूव करेगा तो राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे हम, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आएगी वो आएगी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर करंट इधर को मूव करता है तो राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं तो करंट की डायरेक्शन आती है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने इस ज़ाहरी इमेज पर डिपेंड नहीं करना, बल्कि आपने खुद राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखना है कि डायरेक्शन कौन सी आती है और करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो अल्फा इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन इफ करंट इज मूविंग डाउनवर्ड एंड बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन इफ करंट इज मूविंग अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 28, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सोलेनोइड ऑफ एरिया ए हैविंग एन टर्न्स एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड इज एन बी ए बी ए हाफ एन बी ए बी ए कॉस थीटा। इनमें करेक्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन है एन बी ए। रियल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है एन बी ए साइन थीटा, क्योंकि ये राइट एंगल है तो राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री और साइन 90 इज इक्वल टू 1। बी ए भी नहीं हो सकता, इसमें एन की कमी है, हाफ एन बी ए ये भी डोंग है। अगर बी ए कॉस थीटा मान लें तो इधर कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये सारी रकम भी 0 हो जाएगी। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, अ चार्ज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज इज 2.78 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -17 न्यूटन, देन वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -19, 2.7, 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -19 या फिर 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -19 कूलम। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन और इसे हम अभी देखते हैं ये कैसे आता है। जब कोई चार्ज कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका जो रिलेशन है वो है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन 60 हम जानते हैं, पहले भी क्वेश्चन में बताया था, साइन 60 इज इक्वल टू 0.866। क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, वी जो सा वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, मैग्नेटिक फील्ड भी 10 टेस्ला है, तो 10 मल्टीपल 10 100, जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 जो कि साइन थीटा की वैल्यू है तो आ जाएगा 86.66। और जब फोर्स जो कि 2.78 मल्टीपल 10 रेज पावर -17 दी हुई है, इसको डिवाइड कर देंगे 86.66 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देख लेते हैं इसे, 2.78 डिवाइडेड बाय 86.6 इज इक्वल टू 0.0321 मल्टीपल 10 रेज पावर -17 है, तो इधर पॉइंट को 3 के आगे लाएंगे तो 3.2 मल्टीपल 10 रेज पावर -19 बन जाएगा। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन 3.2 मल्टीपल 10 रेज पावर -19 कूलम इज चार्ज ऑन द पार्टिकल विच पासिस विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल 60 डिग्री इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 10 वेबर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला पासेस थ्रू एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट एरिया इज 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री। इसे हम अभी प्रूव कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होती है बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स 10 वेबर दी हुई है, बी की वैल्यू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 1 टेस्ला, एरिया 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 टेस्ला से तो आ जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 मैग्नेटिक फ्लक्स को जब डिवाइड करेंगे 10 जो कि बी और ए का प्रोडक्ट था तो हमारे पास आ जाएगा 1,
तो cos थीटा 1 तब होता है जब एंगल 0 हो। इनमें एंगल 0 तो नहीं है लेकिन एंगल 360 और 180 है। एंगल 360 पर भी cos थीटा की वैल्यू 1 होती है जबकि एंगल 180 पे cos थीटा की वैल्यू -1 होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन 360 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 31। अ लूप ऑफ 5 टर्न्स ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, देन एरिया ऑफ लूप श्रिंक्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 2.5 वोल्ट, 25 वोल्ट, 250 वोल्ट, 0.25 वोल्ट। इनमें करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन 25 वोल्ट और इसे हम देखते हैं कि कैसे बनता है। EMF बराबर होती है N मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो के बराबर होती है B और A के प्रोडक्ट के। तो हम जो फाई थी मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी वैल्यू पुट कर देती है B और A डिवाइडेड बाय टाइम। N है जो नंबर ऑफ टर्न्स वो 5 टर्न्स दिए हुए हैं, B मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये एरिया डिवाइडेड बाय टाइम उन्होंने इकट्ठा दे दिया है। जब हम 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इस 5 को जब नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वोल्ट आ जाएगा। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32। द फेज एट नेगेटिव पीक ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इज पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3। तो इसका आंसर है सी, 3 पाई बाय 2। जब फेज जीरो होती है तो पाई भी जीरो होता है। जब 90 डिग्री पे पाई बाय 2, 180 डिग्री पे पाई, 270 डिग्री पे 3 पाई बाय 2। 270 डिग्री नेगेटिव पीक होती है अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज की, इस पे जो उनसे फेज होती है वो 3 पाई बाय 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 33। अ 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर इस सब्जेक्टेड टू लोड ऑफ 250 किलोग्राम, स्ट्रेस ऑन बॉडीज 200 पास्कल, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 पास्कल, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 पास्कल या फिर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 पास्कल। तो ये क्वेश्चन नंबर है 33। हम जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स बराबर है एम जी के, मास दिया हुआ है, इसको ग्रेविटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जी की वैल्यू 9.8, तो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 आंसर आएगा। जबकि एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, आर 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर है तो उसको पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आकर रेडियस आ जाए। जो रेडियस आता है इसे 2 से डिवाइड करने से वो आता है 0.00625। इसका स्केयर लेके जब हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है 0.00012226। जब हम 25,000 को डिवाइड करते हैं 0.00126 तो हमारे पास आंसर आता है 200 × 10⁶ पास्कल। इनमें अगर देखें तो 200 पास्कल इधर मेगल करना भूल गया या मल्टीप्लाई 10⁶, 2 × 10⁵ ये भी गलत है, 2⁶ ये भी। अगर इधर 8 होता तो ठीक होना था, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है बुक में एक्सरसाइज का सबसे पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर में, 200 × 10⁶ आंसर है। जबकि ये कंपोजिंग मिस्टेक हो गई है इधर, शायद इसलिए उन्होंने 200 के आगे मेगल करना भूल गया। सो इन शॉर्ट आवर आंसर इज 200 × 10⁶। क्वेश्चन नंबर 34। आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज नॉट स्मूथ, इट कैन बी मेड स्मूथ बाय सर्किट नोन एज व्हीटस्टोन सर्किट, ब्रिज सर्किट, फिल्टर सर्किट, रिपल सर्किट। अगर इसके स्मूथ ना हो आउटपुट वोल्टेज, उसको हम रेक्टिफायर या फिल्टर सर्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको स्मूथ कर सकते हैं। किसी भी रेक्टिफायर की वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए हम फिल्टर सर्किट को यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इजी एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 35।
A wire of length 2 meter is attached with a mass 5 kg vertically. Tensile strain of a wire is 0.3 multiplied by 10 to the power minus 3. The extension in wire is एक्सटेंशन वायर का मतलब है चेंज इन वायर. जब हमने मास को अटैच किया तो वायर में कौन सी चेंजिंग आई. 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 0.15 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर. इनमें डेल्टा करेक्ट आंसर है 0.6 मिलीमीटर. इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे बनता है. टेंसाइल स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ जो कि एक्सटेंशन वायर है ये हमने मालूम करना है. स्ट्रेन उन्होंने दिया हुआ है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय पावर माइनस 3, जबकि जो लेंथ है ओरिजिनल वो है 2 मीटर. ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0.3 आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस 3. तो हमारे 10 रेज पावर माइनस 3 मिली के बराबर होता है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 मिलीमीटर. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट हैपेंस इन पॉजिटिव साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनपुट. ये एक दिया हुआ है जिसमें डायोड यूज़ किए गए हैं सर्किट में. कहते हैं जब पॉजिटिव होगा तो इनमें से कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे, D1, D3, D3, D4, D1, D2 या फिर D2, D4. जब करंट का साइकिल पॉजिटिव होगा तो इधर से करंट पास करेगा, इधर जाएगा तो करंट इस तरफ से तो पास नहीं कर पाएगा डायोड के नेगेटिव पोटेंशियल से. तो करंट इधर से पास करता हुआ फिर आगे इधर, तो जिसकी वजह से इधर से करंट नहीं पास करेगा इधर से कटेगा. इधर आके इसका भी नेगेटिव पोटेंशियल है, करंट इधर से नहीं बल्कि इस लाइन से होता हुआ आएगा और रेजिस्टेंस से पास करेगा. इस रेजिस्टेंस से पास करने के बाद करंट इधर से आता हुआ इधर से पास करेगा. जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो पहले D4 से गुजरेगा, फिर इधर सारे सर्किट से गुजरता हुआ करंट D2 से गुजरेगा. सो जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो D2 और D4 कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 37. इफ सिग्नल इज अप्लाई टू इनपुट ऑफ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओम एंड द वैल्यू ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम द गेन इज. नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में गेन बराबर होती है 1 + R2/R1. R2 है 10 किलो ओम, R1 100 किलो ओम. 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1. तो 1 + 0.1 इज इक्वल टू 1.1. सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 38. द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग मोमेंटम 4.42 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 26 न्यूटन सेकेंड इज 2 × 10⁶, 2 × 10⁴, 16, 2 × 10⁸ या 5 × 10⁶. इनमें करेक्ट ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन 2 × 10⁶ हर्ट्ज. और इसे हम देख लेते हैं इसे हल कैसे करना है. मोमेंटम बराबर होता है hf डिवाइडेड बाय c. द h जोन सा ये प्लैंक्स कांस्टेंट, f फ्रीक्वेंसी, c जोन सा ये स्पीड ऑफ लाइट. तो इधर c डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁴ सेकंड होती है. ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी p c डिवाइडेड बाय h. तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी मोमेंटम की वैल्यू 4.42 मल्टीप्लाई 10⁻². इस तरह से जो सा सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸. इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.26. 13.26 को 6.63 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁙ हर्ट्ज. ये थोड़ा सा ब्रीफ सी कैलकुलेशन कर लेते हैं. 4.42 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 13.26 मल्टीप्लाई माइनस 26 जो के मोमेंटम है उससे हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे, 8 को माइनस कर लेंगे तो 13.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ आ जाएगा. इसे डिवाइड करते हैं 6.63 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2. तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ आ जाएगा 16. जब आप कैलकुलेट करेंगे जो 10⁻⁶ है माइनस 34 ऊपर जाएगी प्लस 34, प्लस 34 में से माइनस 18 को हम निकालेंगे तो 16 आ जाएगा. सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 39. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड बाय अ लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ फ्रॉम अ मेटल इज मेजर्ड एज फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट.
which graph represents the way E depends on I? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. इनमें जो ग्राफ सी, बी और डी हैं, तीनों गलत हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करने से एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, लेकिन एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम. क्वेश्चन नंबर 40, ये गलत ऑप्शन है. कुछ एमसीक्यू यूएचएस वाले रोंग दे देते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, टाइम ज़ाया करते रहें, आंसर फाइंड करते रहें, लेकिन आंसर इनमें कोई भी नहीं. खैर, वेवलेंथ दी हुई है, मोमेंटम मालूम करना. मोमेंटम बराबर होता है एच ओवर वेवलेंथ. तो एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसको आप डिवाइड कर देंगे इसके साथ, वेवलेंथ के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास मोमेंटम. सो इसको हल करने का तरीका है, वैसे इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. जो स्टूडेंट इस एमसीक्यू को टिक कर देते हैं, उनको उसके पूरे नंबर मिल जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 41, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. आयनाइजेशन एनर्जी होता है किसी इलेक्ट्रॉन को एटम और शेल से एमिट करने के लिए, या किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है. तो हाइड्रोजन आइटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 42 में एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें हमने Z के पीछे A प्लस B आएगा, A B आएगा, A प्लस वन बी प्लस वन आएगा. क्या आएगा ये मालूम करना है, इसे इक्वेशन को हमने कंप्लीट करना है. जबकि Y के पीछे है A B, तो गैमा जो सी है, ये Y गैमा रेडिएशन का रिएक्शन है ये वाला. हम जानते हैं जब गैमा रेज एमिट होती हैं तो Y और Z के इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो सा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहता है. सो जेड के पीछे भी वैल्यू ए बी होगी, जिस तरह से वाई के पीछे है, ना कि ए प्लस बी या बी माइनस ए. इस बहुत ही आसान एमसीक्यू है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं. द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 400 ग्राम. द अमाउंट ऑफ यूरेनियम लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ इज 25 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम. जब फर्स्ट ला हाफ लाइफ होगी तो 40 ग्राम का हाफ 200 ग्राम हो जाएगा, सेकंड हाफ लाइफ में 200 का हाफ 100 ग्राम, और थर्ड हाफ लाइफ में 100 ग्राम का हाफ 50 ग्राम आ जाएगा. सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. जिस तरह से 40 एमसीक्यूज गलत था, इस तरह से यूएचएस ने 44 फिजिक्स एमसीक्यूज भी रोंग दिया था, ताकि स्टूडेंट एक एमसीक्यूज को लेकर बैठे रहें, अपना टाइम ज़ाया करते रहें. सो स्टूडेंट लाइक एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्ट वीडियोज. होप यू बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड, hope for me, prayer for me, thanks a lot.